बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हियर इज मैम शाजिया कौसर फ्रॉम किंगविक ग्रुप ऑफ स्कूल। आई होप यू विल बी फाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त क्लास नर्सरी की बुक मौजूद है मेरे पास और उर्दू की बुक से हमारा लेक्चर नंबर 10 है। सो आए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओपन योर बुक एंड सी द पेज नंबर 23। पेज नंबर 23। जी बेटा, पिछली वीडियोस में हमारा मुकम्मल हो चुका है काम, हरफ दाल के दोस्त मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम हरफ दाल के दोस्तों की लिखने की प्रैक्टिस सीखेंगे, इनकी आवाज़ सीखेंगे और इसके अलावा इनके दोस्त कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए इसकी ज़हनी आजमाइश करते को हल करने का तरीका देखते हैं। पढ़िए और लिखिए, ठीक है। यह हरफ दाल, ठीक है, जो कि दो दफ़ा प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। दाल की आवाज़ होती है द। दाल का कोई नुक्ता नहीं होता, दाल है खाली, दाल कहता है द, ठीक है। ये है हरफ डाल जो दो दफ़ा आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। डाल के सर पे टोपी, डाल कहता है ड। डाल की आवाज़ होती है ड। डाल के सर पे टोपी, डाल कहता है ड। ये है बेटा हरफ जाल। जाल का नुक्ता एक होता है और इसकी आवाज होती है ज। जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल कहता है ज, ठीक है बेटा। अब इनको बनाने का तरीका बेटा एक ही तरह का है, जैसे जीम चे हे खे को लिखने का तरीका एक ही है, बस इनके नुक्तों और आवाजों में फर्क है। इसी तरह हरफ दाल के दोस्त भी ऐसे ही हैं, इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, बस नुक्ते और आवाज़ में फ़र्क होता है। जिस तरह बेटा आप स्मॉल सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं उसी तरह इसकी शेप है। आपने छोटा सा इस तरह कर्व शेप इसको बनाना है, ठीक है, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। इसी तरह बेटा आप हरफ दाल की मशक करेंगे, जहाँ दाल की आधी शक्ल है आप इसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। इस तरह पेंसिल फेरेंगे, एक नुक्ते की मदद से आप हरफ दाल को अब लिखेंगे, क्योंकि अब तक आपको लिखना आ गया होगा, ठीक है। हरफ दाल भी बेटा आप इसी तरह लिखेंगे, हरफ जाल भी आप इसी तरह लिखेंगे। इनके नुक्तों और आवाज़ों में डिफरेंस है, वो आपने याद रखना है। दाल द दरवाज़ा, डाल द डॉक्टर, जाल द जखीरा, ठीक है। हरफ दाल के दोस्त मुकम्मल हुए। अब इसकी ज़हनी आजमाइश है बेटा पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर है हरूफ पर पेंसिल फेरिए और दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। इस कॉलम में हरफ दाल के दोस्त मौजूद हैं, ठीक है, और इनसे मुतल्लिका तस्वीर मौजूद हैं। आपने क्या करना है कि इनसे मुतल्लिका तस्वीर को हरफ के साथ मिलाना है। इनके ऊपर आपने बेटा पेंसिल भी फेरनी है। दाल डाल जाल के ऊपर आप पेंसिल फेरेंगे, दाल द दरवाज़ा, तो आप दरवाजे के साथ इसको मिला देंगे। मिलाने के लिए आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाल द डोल, ठीक है, जाल ज जखीरा, डाल द डंडा, ठीक हो गया। इसको बेटा आपने मैच करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी ज़हनी आजमाइश पेज नंबर 25 पर। जी बेटा, आपने हरफ दाल, डाल और जाल लगाकर तस्वीर से मुतलका तस्वीर से हरफ लगाकर दाल के दोस्त मुकम्मल करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दाल, डाल, जाल दिए गए हैं और ये इन्होंने कहा है कि हम सब दाल के भाई हैं और एक ही खानदान के हरूफ हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ आपने क्या करना है कि यहाँ आपने देखना है डाल द डॉक्टर, तो यहाँ आप हरफ डाल लिखेंगे, जाल जखीरा, यहाँ आप हरफ जाल लिखेंगे। इस तस्वीर में दांत नजर आ रहे हैं, तो दाल द दांत, यहाँ दाल लिखेंगे, दाल द द्वार, दाल द डोल, ठीक है बेटा। ये आपने इसको सॉल्व करना है। और इसके अलावा आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें जनरल नॉलेज, इस्लामियात और नाजरा के क्वेश्चन मौजूद हैं, उन्हीं को आप रिपीट करेंगे क्योंकि वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। हरफ दाल, डाल और जाल की प्रैक्टिस आप बुक पर भी करेंगे, इसके अलावा सादा रजिस्टर पर भी करेंगे एज अ असाइनमेंट। जी बेटा, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैम शाजिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।